हमारे यहाँ मंगलाचरण की प्रथा रही है। जितने भी महापुरुषों ने शास्त्रों की रचनाएं की, सर्वप्रथम मंगलाचरण किया जाता है हमारे यहाँ। हम कोई भी कार्य करते हैं मंगलाचरण करते हैं, घर से निकलें तब भी मंगलाचरण करके घर से निकलें, कोई भी शुभ कार्य करें तो मंगलाचरण करके निकलें। अरे भाई, चोर भी चोरी करने जाता है तो वो भी किसी देवता को मना कर जाता है, वो अलग बात है कि शास्त्र से निषिद्ध मानता है और शास्त्रों में इन कार्यों को निषिद्ध माना गया है, इसलिए हम उसकी अवहेलना करते हैं, शास्त्र भी अवहेलना करता है। मंगलाचरण हमारे यहाँ कहा जाता है। मंगलाचरण क्यों किया जाता है उसका कारण समझना चाहिए। परम प्रभु परमात्मा मंगलमय है, उनका मंगलमय आचरण है परमात्मा का, मंगलमय उनकी वाणी है परमात्मा की। कुल मिलाकर परम प्रभु परमात्मा का सब कुछ मंगलमय है, इसलिए मंगलमय जो परमात्मा हैं हम उनका स्मरण इसलिए करते हैं कि जो कार्य हम करने जा रहे हैं वो भी मंगलमय हो और मंगलमय तरीके से हमारा कार्य संपूर्ण हो जाए। यानी सर्वप्रथम हम मंगलमय परमात्मा का आश्रय लेकर के किसी शुभारंभ कार्य को, शुभ कार्य को हम लोग शुभारंभ करते हैं। तो ये जो श्रीमद् भागवत का जो महात्म वर्णन में जिसका प्रारंभ किया जाता है, ये मूल रूप से नैमिषारण्य से ये कथा का प्रारंभ हुआ और नैमिषारण्य में सूत जी और शौनकादिक ऋषियों का इसमें प्रसंग आता है। सूत जी परम ज्ञानी संत हैं और शौनकादिक ऋषि ये बड़े ही जिज्ञासु संत हैं और इसमें ऐसा वर्णन आता है कि हजार वर्ष अथवा सहस्त्र वर्ष का अथवा सौ वर्ष का इन लोगों ने सत्र रखा और उसमें यज्ञ यज्ञादि की प्रक्रिया को इन्होंने रखा। यज्ञ यज्ञादि के मध्य में जो समय मिलता था वो ऋषि ये चाहते थे कि सूत जी महाराज से उन्होंने कहा कि महाराज कि इसके बाद जो समय मिलता है उसमें आप हमें कोई कथा श्रवण कराइए। और उन्होंने इसका बड़ा सुंदर वर्णन पहले तो किया इनका मंगलाचरण के माध्यम से, इन्होंने परम प्रभु परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादहे तवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ये तो भगवान के स्वरूप का वर्णन इन्होंने किया कि भगवान के सत्चित आनंद स्वरूप हैं और इनका स्मरण ये जब प्राणी करता है, जीव करता है, तो तीनों ताप जो हम लोगों को सताते हैं, दैहिक दैविक भौतिक ताप, उनसे ये व्यक्ति मानव मुक्ति पा जाता है। ऐसे सर्वप्रथम परम प्रभु परमात्मा का उन्होंने स्मरण किया। वैसे मूल रूप से ये जो है महात्मा वर्णमा का ही मंगलाचरण है। मूल भागवत का तो कल से प्रारंभ होगा जो मंगलाचरण होगा और इसमें शौनकादिक ऋषियों ने इनसे ये प्रार्थना की है कि महाराज कोई आप ऐसी हमें सुंदर कथा सुनाए, मम कर्ण रसायनम, जो हमारे कानों को प्रिय लगती हो। कानों को प्रिय लगना एक अलग बात है, इसमें अनेक प्रकार की व्याख्याएं हो सकती हैं, पर हम आपको सीधा सीधा बताते हैं कि महाराज ऐसी सुंदर कोई कथा सुनाई। कथा तो हमने बहुत सुनी है और सुनते ही रहते हैं कथाएं, लेकिन ऐसी कोई कथा हमको सुनाइए कि जो कि हमारे कर्णों को प्रिय लगे, हमको भी प्रिय लगे, आनंदमय लगे। तब उन्होंने कहा कि महाराज हम आपको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने का हम कहेंगे, श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएंगे। और ये श्रीमद् भागवत की कथा सूत जी ने स्वयं वेद व्यास जी के श्री सुखदेव भगवान के माध्यम से श्रवण की और इसमें आया है, उन्होंने कहा है कि जब श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को ये कथा श्रवण करा रहे थे तो मैं भी उसी कथा में बैठकर इस कथा को श्रवण कर रहा था। ऐसा सूत जी महाराज कहते हैं। ये इतनी महत्वपूर्ण कथा है, इसका ऐसा महात्म लाभ है कि श्री सुखदेव भगवान को कथा सुनाएंगे, परीक्षित महाराज का मोक्ष हो जाए,
तो देवता लोगों ने सुना कि अरे भाई, इस देवलोक में पड़े रहने से कोई फायदा नहीं, क्या फायदा है इसमें, दिन भर यही नाच गाना यही सब करते रहो और कथा यहाँ मिलती नहीं। तो उन्होंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं। बोले क्या? कि बोले देखो, जो हमारे पास अमृत है, देवताओं के पास अमृत होता, अमृत कलश है। बोले हाँ, कि हम लोग सब मिलकर चलते हैं और सुखदेव भगवान से कहेंगे कि देखो भाई, आपका जो यजमान है परीक्षित, वो अमर होना चाहता है, यानी मृत्यु से दूर होना चाहता है ना, तो आप ऐसा करो कि आप अमृत हमसे ले लो और अमृत आप अपने यजमान को पिला दो, उसकी मृत्यु टल जाएगी, 7 दिन वाला जो उसको शाप लगा है वो असर नहीं करेगा और इसको ये सब कुछ होगा। तो इस प्रकार से परीक्षित, उन्होंने देवताओं ने कहा कि हाँ चलो ये काम करते हैं। और आप ध्यान से सुनो, वो देवता लोग उस अमृत कलश को लेकर वहीं पर आए जहाँ सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुनाने वाले। आप देखो, वैसे आप उस अमृत के लिए अगर चाहो तो देवता दे देंगे आपको, नहीं देते, और देंगे भी तो कितना देंगे ये उनकी मर्जी के ऊपर, एक बूंद दें, दो बूंद दें, वो तो उनकी मर्जी को, अमृत है कितना, थोड़ा सा तो अमृत है, कुछ तो भाग दौड़ में ही छलक गया था। देवता और दैत्यों की जब लड़ाई हुई और गरुड़ महाराज जब उसको लेकर के चले तो कितना झांझा रखा, वहीं तो आज कुंभ होते हैं, तो कितना छलक गया होगा, और कुंभ आपने देखा हो कितना छूटा, तो कुंभ है, अब उसमें अमृत कितना होगा, आप कल्पना करो कभी कभी। और आप कितनी आराधना देवताओं की करो, पर महाराज आप आराधना करते करते जन्म बीत जाते हैं, पर वो अमृत आपको नहीं देवता लोग देते। लेकिन आज देवता लोग स्वयं ही अमृत कलश को लेकर के वहाँ जा रहे हैं। तो आप सोचो, इस बात को सोचो को ये भागवत कितना महत्वपूर्ण है कि जिसको देवता लोग स्वयं ही उस अमृत कलश को देने के लिए जा रहे हैं, तो ये भागवत कितना महत्वपूर्ण होगा, इसकी कथा कितनी महत्वपूर्ण होगी, इसका फल कितना महत्वपूर्ण होगा। देवता लोग गए, इंद्र इत्याद गए, सुखदेव भगवान जी बैठे, प्रणाम हुआ, दंडवत वंदना प्रणाम हुई। सुखदेव जी ने पूछा, कहा आइए देवताओं, कैसे पधारे, देवलोक से आप यहाँ पधारे हो, क्या कारण है, क्या लाए हो? तो उन्होंने कहा कि हे सुखदेव जी महाराज, हमने सुना है देवलोक में चर्चा हो रही है कि आपके जो यजमान राजा परीक्षित जी हैं, इनको शाप लगा। बोले हाँ, ये बात सत्य है, और हमने सुना है 7वें दिन इनकी मृत्यु हो जाएगी, तक्षक नाग इनको डुबेगा, एक ब्राह्मण बालक ने शाप दिया। उन्होंने कहा आपने जो सुना है वो बिल्कुल सत्य है, घटना बिल्कुल सत्य और ऐसा ही है। तो बोले आप कि बोले हम इसके निवारण के लिए परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो देवताओं ने कहा, महाराज थोड़ा ठहरिए, आप ऐसा करें कि हम आपके यजमान के लिए अमृत लाए हैं, अमृत आप राजा परीक्षित को पिला दो और आप बोले भागवत हमें सुना दो। जय जय श्री राधे, ऐसी श्रीमद् भागवत। देवता लोग स्वयं एवं अमृत लेकर के आए और उनसे कहा कि महाराज ये अमृत तो आप अपने यजमान को पिला दो और भागवत कथा हमें सुना दो। पर सुखदेव भगवान कोई ऐसे गुरु नहीं है, लोभी नहीं है, लालची नहीं है कि देवता लोग अमृत लेकर आए, चलो हम अमृत अपने इसको पिला दें और उनको भागवत सुना दें, नहीं। और उन्होंने कहा, सुखदेव भगवान बोले नहीं 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 नहीं, बोले देवता लोग अपना काम बनाने में बड़े चतुर होते हैं, देवता लोग अपना काम बनाने में बड़े चतुर हुआ करते हैं, ये छल कपट कैसे भी, साम दाम दंड भेद कैसे भी काम उनका बना, देवताओं का वो बनाने के चक्कर में रहते हैं। और रामायण में आप ये सब पढ़ते हैं, सरस्वती जी की बुद्धि देवताओं ने घुमाई कि भाई तुम ऐसा वो करो, मंत्रा की बुद्धि को फेर दो, ये करो वो करो, तो आप ये कथाएँ सुन चुके हैं। तो ये कथा इसलिए दी गई है हमें, तो आपने आपको जो भागवत का महात्म वर्णन जो पहले सुनाया वो आपने कम सुना होगा, पर ये भागवत महात्मा आपने बार बार सुना होगा, जो मैं आपको संक्षिप्त में सुना दूंगा और आप इस सबको जानते हैं। और सुखदेव भगवान ने कहा, रे देवताओं, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर महान ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहा सहा। अरे देवताओं,
कहाँ मणि और कहाँ कांच का टुकड़ा। अरे तुम इस भागवत से इस अमृत की तुलना कर रहे हो, कहाँ मणि, मणि जो स्वयं प्रकाशित मणि होती है, और कांच का कहाँ टुकड़ा, और तुम मणि हमसे लेकर और हमें कांच का टुकड़ा दे देना चाहते हो, और तुम भागवत के बदले में ये अमृत हमें देने। देखो एक चीज़ बड़ी ज्ञान की बात है, आपके मन में थोड़ा होगा ये ऐसा क्यों किया, स्वर्ग में चले जाना चाहिए, आप ऐसा सोचो अमर हो जाना चाहिए, आपके मन में ऐसा भाव आएगा कि अमर हो जाना चाहिए। बोले नहीं भाई, ये समझ लो, ये स्वर्ग लोक का भी मोह भगवान कृष्ण ने गीता में पार्थ को सचेत किया था कि हे पार्थ तुम स्वर्ग के मोह में भी नहीं फंसना। तो बोले महाराज सब लोग स्वर्ग, और मरने के बाद भी सबके आगे लिखा जाता है स्वर्गीय, जो समझदार हो गए हैं, जो सत्संग में आते हैं, जो वृंदावन में आने जाने लगे, वो लोग नहीं लिखते स्वर्गीय, वो लिखते हैं गोलोकवासी। वो क्या लिखते हैं? गोलोकवासी, और बोलते भी हैं गोलोकवासी। और जो सत्संग में नहीं आए, कथा कीर्तन में नहीं आए, उन्हें अभी स्वर्ग ही प्रिय, वो स्वर्ग ही लिखते हैं स्वर्गीय। लेकिन जो समझदार हो गए, जो कथा वार्ताओं में आने लगे, वृंदावन में आने लगे, संतों के संग में आगे लगे, वो अपने माता पिता के आगे लिखते हैं गोलोकवासी, साकेतवासी, वो ये लिखते हैं जो सत्संग में आने लगे, उन्हें ज्ञान हो गया। अरे अरे स्वर्ग तो बेकार है। बोले क्यों? कि स्वर्ग में जब तक आपके पुण्य हैं, क्षीणे पुण्य मृत्यु विशन्ति, स्वर्गलोक में आप कब तक हैं? जब तक आपके पुण्य हैं, और जैसे ही आपके पुण्य क्षीण हो जाएंगे, वैसे ही आप फिर इसी भूलोक पर आ जाएंगे, और फिर जो आज जीवन जी रहे हैं फिर जीवन शुरू हो जाएगा। तो बताओ इसमें फायदा है कि नुकसान है? बताओ तुम ही लोग बताओ, नुकसान है ना? हाँ, तो गुरु ऐसा समझदार होना चाहिए कि शिष्य का हित किसमें। तो सुखदेव भगवान ये जानते हैं कि मेरा शिष्य का हित इस अमर पीने में नहीं है, इसका भला केवल भागवत श्रवण करने में। तो इसलिए श्री सुखदेव महाराज ने बड़ा अच्छा इंद्र इत्यादि को उत्तर दिया, अरे इंद्र, अरे देवता लोगो, कहाँ मणि और कहाँ कांच का टुकड़ा, कहाँ ये अमृत और कहाँ ये श्रीमद् भागवत की कथा का फल। देवता लोगों को मना कर दिया सुखदेव ने। इसका अर्थ ही हुआ कि केवल भागवत के अधिकारी हम ही मानव लोग हैं, देवताओं को भी ये सुलभ नहीं है। तो आपको अपने भाग्य पर गर्व होना चाहिए कि हमको मनुष्य बनाया गया। कबहु की करुणा कर नर देही, देत ईश विनु हेतु स्नेही। इसमें हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं है, ये भी परम प्रभु परमात्मा की कृपा से ही हमें मानव का शरीर प्राप्त होता है। आप इस पर विचार करेंगे तो यही सत्य सिद्धांत सामने आता है कि इसमें भी प्रभु की कृपा ही है, हमारा स्वयं का कोई पुरुषार्थ काम नहीं कर पाता, परमात्मा कि हम इस मानव जीवन से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमारे संत महापुरुषों ने बार बार सत्संग के माध्यम से हमें चेतावनियां दी, वही परापत मानुक देहुरिया गोविंद मिलन की यह तेरी, ये मानव ये मन, ये तुझे मनुष्य का शरीर मिला है, ये बारंबार नहीं मिलता, इसमें तू प्रयास कर, परम प्रभु परमात्मा की प्राप्ति कर, उस ईश्वर से प्रेम कर, उस ठाकुर से तू स्नेह कर, प्रीति कर, कि जिसके माध्यम से ही तेरा ये जीवन सफल हो सकता है। तो सुखदेव भगवान ने उनको लौटा दिया। देवता निराश हो गए, अरे भाई हमारा दाव। देखो एक चीज और मैं कभी कहता हूं, साधुओं जिसके तुम साधु के संग में लगे हो, गुरु के संग में लगे हो, तो देवता लोग भी तुम्हें लुभाने आएंगे तो वो भी फेल हो जाएंगे। ये गुरु का प्रभाव, सुखदेव महाराज का प्रभाव कि देवताओं को उन्होंने खाली हाथ लौटा दिया कि बोले जाओ यहाँ। और कुशल गुरु के साथ राजा परीक्षित नहीं होते तो वो भी लोभ में आ जाते, अमृत पी सकते थे, गड़बड़ हो जाता ना। तो इससे जीवन में गुरु का साथ, संत का शास्त्र हमें चाहिए, उसके साथ संतन के संग लाग रहे तेरी नीकी बनेगी, अच्छी बनेगी। और जो जो संतों के साथ लग, आप देखिए पूरा ये जितने भी सतशास्त्र हैं, रामायण उठा लो, गुरु ग्रंथ साहब उठा लो, गुरु ग्रंथ साहब की जितनी भी वाणी है सब संतों की, तो उसमें वाणी संग्रहित की हुई है, भक्तों की वाणी संग्रहित हुई है, और उसमें सब संतों की ही महिमा का वर्णन किया गया। सुखमनी साहब को आप उठाओ,
इन सब में उठाओ, रामायण उठाओ, भागवत उठाओ, कोई भी शास्त्र, संतों से ही सारे ये शास्त्र भरे, और संतों की महिमा उसमें से तुम निकाल दो तो उसमें कुछ भी नहीं है, कख भी नहीं है। जैसे शरीर से आपने आत्मा को निकाल दिया, अरे भाई अश्वत्थामा की अर्जुन ने केवल मणि को ही तो निकाल दिया था, तेजहीन हो गया, वैसे ही संतों को अगर हम इन शास्त्रों से निकाल दें, मैंने ये अनुभव, आप भी अनुभव करेंगे, आपको बताते हैं तब आप सोचेंगे। तीर्थों में आप जाइए, हरिद्वार चले जाइए, अयोध्या चले जाइए, वृंदावन चले जाइए, काशी चले जाइए, कहीं भी जाओ, अगर आपको संत दिखाई नहीं दें तो वो तीर्थ भी जैसे कोई विधवा नारी होती है वैसे ही वो तीर्थ लगता है। हमने कई बार अनुभव किया, अगर संत किनारों पर घूमता हुआ, किसी यमुना के तट पर, गंगा के तट पर, इधर उधर वनों में, जंगलों में संत घूमता हुआ अगर आपको मिलता है तो लगता है ये तीर्थ सधवा है, ये तीर्थ भी सौभाग्यवान है कि यहाँ भी संतों का निवास है और यहाँ पर भी कल्याण प्रचुर, तो इतना संतों का प्रभाव। सुखदेव भगवान के साथ लगे रहने से परीक्षित का कल्याण हुआ, और इधर देवता लोग देवलोक में जब तक पहुंचे तब तक देवताओं के पास एक सूचना और आ गई, जय जय श्री राधे। बोले कौन सी सूचना आ गई के बोले परीक्षित का कल्याण हो गया, परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हो गया। देवताओं ने अपना माथा, बोले अरे भाई देखो हम केवल यहाँ आ ही पाए हैं और दूसरी सूचना आ गई कि परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हो गया। बोलिए सुखदेव भगवान की, श्रीमद भागवत भगवान की जय। अब देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ, कैसी भागवत, कमाल की भागवत है, ऐसी शक्तिवान भागवत, ऐसा इसमें रहस्य भरा हुआ महाराज, ऐसी इसमें अमर मूरी कोई भरी हुई है, अमर मूरी जिससे आदमी भगवान को प्राप्त कर लिया, ऐसा क्या महाराज इसमें। ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कोई चिंता मत करो, हम तुम्हारी शंका का समाधान करते हैं। ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा जी, देखो ये भगवान के सब पात्र हैं और सभी आनंदी जीव हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी को पहले ये भागवत प्राप्त हो चुकी है नारायण से, तो वो तो भागवत के प्रभाव को जानते, लेकिन भगवान की माया बड़ी विचित्र है, ब्रह्मा भी चक्कर में आ जाते हैं। वो आगे सुनेंगे आप कथा, दसवां स्कंध जब चलेगा तो भगवान की माया कितनी है। कबीर साहब तो कहते हैं रमैया तेरी दुल्हन लूटल हो बाजार, रमैया तेरी दुल्हन लूटल हो बाजार, रमैया की दुल्हन कौन, बोले माया, रमैया तेरी दुल्हन लूटल। निम्मी ऋषि मिन्नी कर डारे नारद के पड़ी पिछार, रमैया तेरी दुल्हन लूटल हो बाजार। भगवान की ऐसी देवी है शा गुणमयी मम माया दुर्तया, भगवान की ऐसी दुर्तय माया, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को वो चक्कर में जाल में डाल देती है, बड़े ऐसी भगवान की माया। तो ऐसे जो मायापति प्रभु श्री राम है, तो ब्रह्मा जी को भी ये भागवत मिली हुई है, सबसे पहले चतुर्श्लोकी भागवत। तो ब्रह्मा जी ने नाटक किया थोड़ा सा इन देवताओं को समझाने के लिए, उन्होंने कहा अच्छा लाओ लाओ एक तराजू ले आओ, तराजू ले आओ। देवताओं के दिमाग में इस बात को डालने के लिए ब्रह्मा जी ने नाटक किया, बोले लाओ तराजू ले आओ, तराजू, तराजू ले आए देवता लोग। उसमें क्या, एक तरफ भागवत को रखा गया, भागवत श्रीमद भागवत को रखा, और जितने भी साधन दूसरे हैं शास्त्र, जितने भी आप शास्त्र लिखते हैं एक पलड़े में उनको रखा गया। अब ब्रह्मा जी ने कहा उठाओ इंद्र इसको, उठाओ जरा तराजू के ऊपर, भाई ऊपर तराजू उठाएगा तभी तो पलड़े उठेंगे। और जब ऊपर तराजू उठाया गया तो भागवत का पलड़ा नीचे और दूसरे जितने भी शास्त्र साधन शास्त्र थे सब ऊपर थे। ब्रह्मा जी ने कहा समझ में आया इंद्र देवताओं, तो बोले महाराज आया। बोले क्या समझ में आया, कि महाराज भागवत सर्वोपरि है और दूसरे जितने भी साधन शास्त्र हैं वो सब इसके सामने नीचे हैं, भागवत ही सर्वोपरि है। एक ये भी महात्मा वर्णन में कथा आती है, जो हमने आपको अक्सर श्रोता जो हैं वो इन्हीं महात्मा को आपके सामने श्रवण कराते, पर इससे पहले जो हमने आपको श्रीमद भागवत का, ये हमारे कुछ संत जो खोज करते हैं, जो विद्वान हैं और इस प्रकार से सत शास्त्रों का मंथन करते हैं, और सत शास्त्रों का मंथन करके
जो दिव्य भाव आपके सामने प्रकट करते हैं उनके लिए हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं और उनके माध्यम से हम कथा इसलिए हम सुनना चाहिए कि हमें शास्त्रों का रहस्य पता लगता है, राशियों का भेद पता लगता है। इसलिए विद्वान महापुरुषों से, इसीलिए सदग्रंथों का ये सत्संग आप लोगों को कथा यथाश, और हम लोग भी यही प्रयास करते हैं कि आपके आश्रम में ऐसे ही विद्वान भागवत कथा